सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा जी, तो रोकने के लिए आप क्या कानून बनाएगी, क्या मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारी सरकार थी, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत उस समय हवेलियों के संरक्षण के लिए कमेटी भी बनी थी और उस समय बहुत कुछ काम भी हुआ था इस दिशा में। उसके बाद सब जानते हैं कांग्रेस सरकार आई, उनको बिल्कुल ना तो धरोहर की परवाह थी, ना उनको विकास की थी, ना विरासत की थी, ना उनको रोजगार देने की कोई परवाह थी। अगर इसको डेवलप करते तो यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ता। टूरिज्म का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आते तो स्थानीय रोजगार बढ़ता, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती, यहाँ की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती। शेखावटी जहाँ से बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज निकली हैं और पूरे विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया राजस्थान का, लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि कुछ जगहों पे तो कुछ एरियाज में तो डेवलपमेंट है लेकिन कुछ एरियाज बिल्कुल निग्लेक्टेड है। एजुकेशन हब है ये, यहाँ से बहुत सारे हमारे सेना में भी लोग गए हैं, लेकिन जहाँ हेरिटेज की बात आती है, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज है यहाँ का, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया। हमारी सरकार बिल्कुल आपने जो बात कही उस पर ध्यान देंगे और यहाँ इस तरह का अगर कुछ लेजिस्लेशन लाना होगा या कोई ऐसा हमको कुछ लेके आना होगा कि जहाँ से यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं कि हवेलियाँ टूटी जा रही है, उसको भी रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो मैं कर सकती हूँ प्रशासन से भी बात करूंगी और इसका एक प्लानिंग कर जो अब बच चुकी है उनका तो हम कुछ करें, नहीं तो वो भी नहीं बचे। हेरिटेज के मामले में फतेहपुर की हालत सबसे खराब है, यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, टूरिस्ट मंडावा रुकता है और सीधा बीकानेर चला जाता है, जैसे गोविंदा जी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट, बिल्कुल पहले सरकार का फतेहपुर मंडावा रामगढ़ को एक टूरिस्ट में ट्रायंगल बनाने का प्रोग्राम था, वो फेल हो गया। वो फेल हो गया क्योंकि वो फेल है, वो सरकार ऐसी आ गई जिनको टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं था, उसे बड़ी बड़ी बातें करते थे धरातल पे कुछ नहीं होता था, लेकिन ये वाली सरकार ऐसी नहीं है, बीजेपी की सरकार। हम लोग सीरियसली कुछ करेंगे, अगर पायलट प्रोजेक्ट की तरह अगर ये कुछ लेके आते हैं तो उसपे पूरी तरह से कार्रवाई होगी और एक प्लानिंग के साथ हम लोग आगे तक देख करके, ये प्लानिंग लॉन्ग लास्टिंग हो, ये सिर्फ 5 साल की प्लानिंग ना हो, ये लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग हो और उसके साथ हम लोग करेंगे काम। एक सवाल पूछते हुए मेरे मन में पीड़ा है, आप जिस रास्ते पे आई है कल शाम 4 बजे तक उस रास्ते को देखते आप खुद महसूस करते हैं रास्ते पे चलते कैसे, यहाँ से प्रवासी लोग आए हैं, गंदगी गिर रही, सड़कें टूटी, आप आए प्रशासन ने रातों रात किया, काफी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, क्या फतेहपुर नहीं पूरे राजस्थान में ऐसा कार्यक्रम नहीं बन सकता कि सड़कें टूटे? तो आपको अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं जैसे ही बारिश रुकेगी, क्योंकि इस बार विशेष आशीर्वाद रहा है इंद्र भगवान का राजस्थान पर और इस बार बहुत बारिश आई है पूरे ही राजस्थान में, पहले से बहुत ज्यादा सड़कों की हालत खराब है, सड़कें जो इससे पहले बनी होंगी वो किस क्वालिटी की बनी थी उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की बनती और नाली सहित बनती तो शायद ये सड़कें नहीं टूटती। सड़कें टूटी है, रिपेयर करने का काम हम लोग करेंगे। रोकने के लिए आप क्या कानून बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारी सरकार थी, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत उस समय हवेलियों के संरक्षण के लिए कमेटी भी बनी थी और उस समय बहुत कुछ काम भी हुआ था इस दिशा में। उसके बाद सब जानते हैं कांग्रेस सरकार आई, उनको बिल्कुल ना तो धरोहर की परवाह थी, ना उनको विकास की थी, ना विरासत की थी, ना उनको रोजगार देने की कोई परवाह थी। अगर इसको डेवलप करते तो यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ता, टूरिज्म का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आते तो स्थानीय रोजगार बढ़ता, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती, यहाँ की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती। शेखावटी जहाँ से बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज निकली है और पूरे विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया राजस्थान का, लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि कुछ जगहों पर तो कुछ एरियाज में तो डेवलपमेंट है लेकिन कुछ एरियाज बिल्कुल निग्लेक्टेड। एजुकेशन हब है ये, यहाँ से बहुत सारे हमारे सेना में भी लोग गए हैं, लेकिन जहाँ हेरिटेज की बात आती है, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज है यहाँ का, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया। हमारी सरकार बिल्कुल आपने जो बात कही उस पर ध्यान देंगे और यहाँ इस तरह का अगर कुछ लेजिस्लेशन लाना होगा या कोई ऐसा कुछ लेके आना होगा कि जहाँ से यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं कि हवेलियाँ टूटी जा रही है उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो मैं कर सकती हूँ प्रशासन से भी बात और इसका एक प्लानिंग कर जो अब बच चुकी है उनका तो हम कुछ करें, नहीं तो वो भी नहीं बचे। हेरिटेज के मामले में कोई व्यवस्था नहीं है, टूरिस्ट मंडावा रुकता है और सीधा बीकानेर चला जाता है, जैसे गोविंदा जी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट और पहले सरकार का फतेहपुर मंडावा रामगढ़ को एक
ट्यूबिस में ट्रायंगल बनाने का प्रोग्राम था वो फेल हो गया। फेल हो गया क्योंकि वो फेलियर, वो सरकार ऐसी आ गई जिनको टूरिज्म से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते थे, बंधनातल पे कुछ नहीं होता था। लेकिन ये वाली सरकार ऐसी नहीं है, बीजेपी की सरकार, हम लोग सीरियसली कुछ करेंगे। अगर पायलट प्रोजेक्ट की तरह अगर ये कुछ लेके आते हैं तो उसपे पूरी तरह से कार्रवाई होगी और एक प्लानिंग के साथ हम लोग आगे तक देख करके, ये प्लानिंग लॉन्ग लास्टिंग, ये सिर्फ 5 साल की प्लानिंग ना हो कि लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग हो, और उसके साथ हम लोग करेंगे। क्या फतेहपुर नहीं पूरे राजस्थान में ऐसा कार्यक्रम भी बन सकता है कि सड़कें टूटे? तो आपको अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं जैसे ही बारिश रुकेगी, क्योंकि इस बार विशेष आशीर्वाद रहा है इंद्र भगवान का राजस्थान पर, और इस बार बहुत बारिश आई है पूरे ही राजस्थान में, पहले से बहुत ज्यादा। सड़कों की हालत खराब है, सड़कें जो इससे पहले बनी होंगी वो किस क्वालिटी की बनी थी उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की बनती और नाली सहित बनती तो शायद ये सड़कें नहीं टूटती। सड़कें टूटी है, रिपेयर करने का काम हम लोग करेंगे। धन्यवाद।